हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो गूगल शीट को लेकर के है। एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही कहेंगे इसे, क्योंकि जब आपको परसेंटेज निकालना होता है तो इसका कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है गूगल शीट में, ठीक है। लेकिन क्या परसेंटाइल का कोई फॉर्मूला है? तो जी हाँ, बिल्कुल है, परसेंटाइल के लिए फॉर्मूला है गूगल शीट में। कौन सा फॉर्मूला है, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से गूगल शीट को ओपन करता हूँ। अब आप ये देख सकते हैं, ये गूगल शीट ओपन है और यहाँ पर अलग अलग स्टूडेंट्स के नाम है जिन्होंने कंप्यूटर साइंस में कुछ मार्क्स गेन किए हैं, ठीक है। अब हमको यहाँ पे परसेंटाइल लगाना है, तो यहाँ पे टाइप किया PER। जैसे PER टाइप करते हैं तो उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज आने लगते हैं, ठीक है। इसी में एक परसेंटाइल भी है, लेकिन हम आगे सी करते हैं परसेंटाइल। तो यहाँ पे देखिए, ये परसेंटाइल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक किया हमने, जैसे ही क्लिक किया ब्रैकेट अपने आप ओपन हो जाता है। बड़ा खास जो है ये स्प्रेडशीट है गूगल से, ठीक है। अब हम ये पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, एक को नहीं करेंगे, पूरी रेंज सेलेक्ट कर लेंगे। ये पूरी रेंज सेलेक्ट किया और इसका क्या करेंगे, इसका 0.50% परसेंटाइल निकालना है, इसका 0.50% निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए 78 दिखा रहा है, यानी 78 आ रहा है, ठीक है, देख सकते हैं। और अगर हमको यहां पर फिर चेंज करता हूं, यहां पे फिर वापस से परसेंटाइल लगाते हैं, PERCENT, यहां पे देख सकते हैं ये आ गया परसेंटाइल। तो हम फिर यहां पे परसेंटाइल लगाते हैं और जैसे ही लगाते हैं तो फिर इसी रेंज को सेलेक्ट करेंगे और रेंज को सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद यहां पर 0.20% चाहिए, 0.20। तो यहां पे देख सकते हैं 66.2 आ रहा है, 0.20% कितना आ रहा है, 66.2 आ रहा है, ठीक है। तो परसेंटाइल जो है परसेंट से काफी अलग है, ठीक है। फिर यहां परसेंटाइल लगाते हैं एक बार, परसेंटाइल ये लगाया परसेंटाइल, और परसेंटाइल लगाने के बाद फिर इसको सेलेक्ट करते हैं, इस बार 0.9 रखते हैं, 0.90, ठीक है, परसेंटाइल। तो यहां पर देखिए 86.8 आ रहा है, देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से परसेंटाइल काम करेगा, ठीक है।